परमेष्ठी भगवान आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना, सृष्टिगत सहयोगी समस्त षड्जीवनी कायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। धन्य है जीवन के वे पल वे क्षण जब हमारी जिंदगी में गुरु का ज्ञान सुनने की जिज्ञासा जागृत होती है और हमारी जिज्ञासा की पूर्ति भी सहज ही हो जाया करती है। जिस जिसको अपनी ज़िंदगी में सद्गुरु के ज्ञान का सहारा मिल जाता है वे आत्माएं इस संसार में ऐसी हो जाती है जैसे किसी सुई की नोक में कोई धागा पिरो दे। जब तक सुई की नोक में धागा नहीं होता तब तक वो कपड़े में छेद तो कर सकती है लेकिन कपड़े को सी नहीं सकती। वह इस जिंदगी को जी तो सकती है लेकिन अपने ही खंड खंड मन को सी नहीं सकती, अपने ही जीवन के खंड खंड चित्रों में अभंग दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकती। जिंदगी की घटनाएं बड़ी खंड खंड है, टुकड़ों टुकड़ों में है, या बातें बड़ी टुकड़ों टुकड़ों में है, या हर अनुभव बड़ा टुकड़ों टुकड़ों में है। न जाने कितनी बार कितने लोगों से हम धोखा खाते हैं और पुनः उन्हीं लोगों से प्यार करने बैठ जाते हैं। न जाने कितनी बार कितने साथी छूट जाते हैं और फिर वापस जुड़ भी जाते हैं। जब छूटते हैं तब अनेकों बार हम भी द्वेष से भरते हैं, वो भी द्वेष से भर जाता है, और जब वापस जुड़ जाते हैं द्वेष का पर्दा गिर जाता है, राग का पर्दा आ जाता है, फिर से राग का उदय हो जाता है। हम सब ऐसे हैं कि अनेकों बार ज्ञान और अज्ञान में, अनेकों बार सुख और दुख में, अनेकों बार गम और खुशी के द्वंद में जीते हैं, उलझते हैं और उसी में अपने जीवन का अस्तित्व महसूस करते हैं। हमें लगता है इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे लोग बोलते हैं कि जिंदगी के सफर में सुख और दुख दोनों दो किनारे तो मिलने ही मिलने हैं। एक भाई से एक बार हमने पूछ लिया, भैया कैसे हो, जैसे पूछ ही लेते हैं कैसे हो, जिंदगी कैसे चल रही है। वह बोला, महाराज जी मेरी लाइफ की स्टोरी का टाइटल तो है कभी खुशी कभी गम। ये जिंदगी सदा ऐसी है, कभी खुश रहता हूँ कभी गमगीन रहता हूँ, कभी बिजनेस में प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, कभी लोग मिलते हैं तारीफ करते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद पता लगता है कि जो लोग सामने तारीफ कर रहे थे वे ही पीछे मेरी क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं। और हम मान लेते हैं इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब कुछ होना ही है। खंड खंड मानसिकता में जीने के हम आदि हो चुके हैं, मन भी टूटा टूटा और लोगों के साथ सारे संबंध भी, कभी जुड़ते हैं कभी टूटते हैं। इन गुरु का ज्ञान जब मिलता है तभी एक अभंग दृष्टि पैदा होती है।
अभंग चेतना का उदय होता है। क्यों, कैसे होता है? गुरु हमें जिस स्तर पर हम जी रहे हैं उससे ऊपर उठा लेता है। ज्ञान हमारे भीतर एक निष्पक्ष दृष्टि को जगाता है। ज्ञान हमारे भीतर एक गुणग्राही दृष्टि को जगाता है। ज्ञान हमारी दृष्टि में सरलता ले आता है। हकीकत में जितने भी ज्ञान की पूजा है, ज्ञान की आराधना है, वो ज्ञान के लिए नहीं है, वो दृष्टि की शुद्धि के लिए है। ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं है, ज्ञान हमारी दृष्टि की, विजन की शुद्धि के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए है, कि हमारा विजन प्योर होता जाए, क्लियर होता जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग राइट होती जाए। अंडरस्टैंडिंग राइट हो जाना मतलब हर उलझन में भी सुलझन दिखलाई पड़ जाना, हर भटकन में भी मार्ग दिखलाई पड़ जाना। ये संसार तो वैसा है जैसे न्यूज़पेपर में पहले पहली आया करती थी, अभी भी आती होगी, आई डोंट नो, कि जहाँ एक तरफ बिल्ली है, एक तरफ दूध का कटोरा है, और उस तक पहुँचने का जो रास्ता है वो ढूंढना पड़ेगा। चारों ओर रास्ता बना हुआ है लेकिन सारे रास्ते ब्लॉक है, केवल एक रास्ता उनमें से खुला है और उस खुले रास्ते को ढूंढना है कि कैसे बिल्ली अपने दूध के कटोरे तक पहुँच जाए। संसार भी ऐसा ही है, जिस रास्ते पे जाते हैं कुछ वर्षों साथ चलते हैं और फिर पता लगता है कि रास्ता तो यहाँ पर ब्लॉक हो गया। कभी लोगों का बिजनेस ब्लॉक हो जाता है, कभी हेल्थ, कभी रिलेटिव्स, कुछ भी जो भी मिलता है, हर प्राप्ति के साथ एक शंका बनी रहती है। जो भी मिलता है हर प्राप्ति के साथ में एक शंका, एक डाउट मन में रहता ही है, मिला हुआ चला गया तो, छूट गया तो, बदल गया तो। और गजब की बात यह कि जो मिला है वो ना बदले तो कई बार हमारा अपना मन ही बदल जाता है। हम दूसरे को स्थिर रखने की कोशिश भी कर लें, स्थाई बना भी ले, पेंटेड कर दें कि उसके अंदर कोई भी तरह के स्क्रेच ना आए, हम अच्छी तरह से उसका लेमिनेशन भी कर दें, लेकिन अपना मन बदल जाएगा उसका क्या पता, उसको तो लेमिनेटेड नहीं किया जा सकता। शंका मौजूद ही रहती है, जब तक शंका है तब तक मन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में है, द्वंद में है, उलझन में है। ये उलझन कैसे सुलझती है? तब तक तो नहीं जब तक इसी तल पर मानसिकता है, इस तल के परे का ज्ञान जब तक नहीं मिलता तब तक ये उलझने नहीं सुलझती। इस तल के परे का ज्ञान है क्या? क्वेश्चन ये है, वो ज्ञान क्या है जो हमें इसी तल पर मिल जाए और हमें इस स्तर से मुक्ति दिला दे, हमारा लेवल बढ़ा दे, वो ज्ञान क्या? जरा सोचें हम। यूं तो बहुत सी बातें हैं और सबको पता है, बहुत से लोग बहुत सी बातों को जानते होंगे, लेकिन फिर भी जब हम उलझते हैं तब हमारे ज्ञान, हमारा ज्ञान हमारे कितने काम आता है? जब हम दुखी होते हैं तब हमारा ज्ञान हमारे कितने काम आता है? जब हम टेंशन में होते हैं तब क्या होता है? जब हम टेंशन में होते हैं इतनी बातें हमें पहले से पता है, इतने उपदेश पता है, इतनी किताबें हमने पढ़ रखी है, लेकिन जब टेंशन आती है तो वो सारी बातें कहाँ चली जाती है? आप सब बताएं, अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि टेंशन मुक्त होने के क्या क्या उपाय हैं, आप में से कौन ऐसा है जो एक भी उपाय नहीं बता सकता? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। आप में से कौन ऐसा है जो टेंशन मुक्ति का कोई भी उपाय नहीं बता सकता है? कौन है ऐसा? कोई भी हाथ नहीं खड़ा है, कोई भी हाथ नहीं खड़ा हुआ, यानी सबको टेंशन से मुक्ति के उपाय पता है ना? पता है? नहीं पता? हम सबको पता है,
लेकिन फिर भी जिस क्षणों में हम टेंशन में जाएंगे उन क्षणों में क्या होगा, उन क्षणों में क्या होगा बताओ जरा। वो उपाय जो हमें पता है काम आएंगे हमारे, उपाय उपाय वाले डिपार्टमेंट में पड़े रह जाएंगे और टेंशन जब प्रकट होगी, जब टेंशन स्क्रीन पे आएगी तो उपाय वाला सारा चैप्टर अंदर ही पड़ा रहने वाला है, वो स्क्रीन पे नहीं आने वाला। क्यों नहीं आता? ज्ञान है, जानकारियां हैं, समझदारी जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड समझदारी भी है, लेकिन जब परेशानियां आती है, जब जिंदगी के अंदर इंसल्ट फील होती है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, उस समय में वो सारी बातें कहाँ चली जाती है? इसका मतलब है कि ज्ञान तब उपयोगी बनता है, ज्ञान तब ही उपयोगी बनता है जबकि वो हमारी आंखों का ऑपरेशन करे, हमारी दृष्टि को ऑपरेट करे, हमारे विजन को क्लियर बनाए। विजन राइट हो जाए, जब तक ये विजन ठीक नहीं होता, दृष्टि परिशुद्धि नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता, जब तक दर्शन सम्यक नहीं होता, परसेप्शन राइट नहीं होता, तब तक कितनी भी बातें हो, कितनी भी किताबें हो, कितने भी उपदेश हो, वो सारे उपदेश फोन में भी है, फोन की मेमोरी कार्ड में भी है, माइंड की मेमोरी कार्ड में भी है, हाँ, लेकिन काम नहीं आ पाते। दृष्टि शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हर ज्ञानी ने अपने ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद, अपनी दृष्टि को शुद्ध हो जाने के बाद में लोगों को जिस बात की प्रेरणा दी वह एक ही बात की थी कि अपनी दृष्टि को शुद्ध बना लो। दृष्टि शुद्ध हो गई, मति शुद्ध हो जाएगी। दृष्टि शुद्ध हो गई, स्थिति बदल जाएगी। दृष्टि शुद्ध हो गई, पूरा जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा। दृष्टि शुद्ध होना सबसे महत्वपूर्ण, सम्यक दर्शन होना जिसे धर्म का मूल कहा जाता है, धर्म रूपी भवन का नींव का पत्थर कहा जाता है। और धर्म क्या, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। जब हम कहते हैं धर्म धर्म तो अनेकों लोग प्रश्न करते हैं धर्म है क्या आखिर, क्या मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, या मुपति बांध के सामायिक माला जाप करना, वो धर्म क्या है? जिस धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, जिस धर्म का नींव सम्यक दर्शन है, जिस धर्म रूपी हवेली की ताले की चाबी सम्यक दर्शन है, वो धर्म क्या है? वो धर्म है जीवन का अपना स्वभाव, धर्म है जीवन की प्राकृत गति। और जीवन की जो प्राकृत गति है वह अव्यवहार है, जीवन की जो प्राकृत गति है बहुत संगीतपूर्ण है, जीवन की जो प्राकृत गति है वह सच्चिदानंद रूप है, वह ज्ञान दर्शन वीर्य आनंद रूप है। इस जीवन की प्राकृत गति के अनुरूप जीने वाले लोग आनंदित रहते हैं, हमेशा बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, भीतर में नवीन रस का अनुभव करते हैं। हर दिन जब नींद में से आंख खुलती है, उनके भीतर में से नई क्रिएटिविटी आती है, नया रस आता है। उनके हृदय के पट में कभी ताले नहीं लगते। जो लोग जीवन की गति के अनुरूप जीते हैं, जो धर्ममय जीते हैं, धर्ममय जीने का अर्थ है सहज स्वभाव में जीना, सहज आनंद भाव में जीना, सब कुछ जानना, सब कुछ देखना, लेकिन न जानने में उलझना, न देखने में भटकना। जिसे पता तो लगता है पड़ोसी उसको मारने के लिए षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर उस पड़ोसी के लिए द्वेष पैदा ही नहीं होता। क्यों नहीं पैदा होता? क्योंकि उसकी ये समझ बन चुकी है
कि मेरा कोई शत्रु है ही नहीं और कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। मुझे कोई नुकसान मेरी आज्ञा के बिना कभी पहुंचा ही नहीं सकता। ये बात जिसे भीतर समझ में आ चुकी है, अभी आपको और हमें समझ में आ गई। फर्ज करो हमें सुबह उठे और किसी ने आकर के बताया कि आज आपको मारने के लिए ये षड्यंत्र इस व्यक्ति ने कर दिया है, और वो व्यक्ति हो जो हमारा निकट का हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो कहीं भी रिश्तेदारों में हो, क्या लगेगा हमको? क्या लगेगा? कैसा लगेगा? शायद वो तो मारे न मारे उससे पहले ही हम कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर लेंगे। वो कुछ करे ना करे हम पहले लड़ने चले जाएंगे, हम लोगों को बताने चले जाएंगे। मारने की बात तो छोड़ो, कोई इतना ही कह दे कि तुम्हारे बारे में पड़ोसी ने ऐसा कहा कि तुम सदाचारी नहीं हो, तुम सदाचारी नहीं हो, इतना ही कोई कह दे, क्या हाल हो जाएगा? हम उस पड़ोसी की, उसके पूरे खानदान की कितनी बुराइयां तो बोल देंगे बिना रुके। आधा घंटा भी अगर उसके खानदान की बुराई करनी हो कर लेंगे। पता क्यों किया हमने? क्योंकि जैसे हमने ये सुना कि पड़ोसी ने आपके बारे में ऐसा कहा, पड़ोसी वर्ड बोल रही हूं, नॉट पड़ोसी, कोई भी, किसी ने भी ऐसा कहा, हमारे मन में खलबली मच जाती है। क्यों मच जाती? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कीड़ा हमारे मन में है। नहीं होता तो कोई खलबली नहीं मचती, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप पर शंका है, कहीं ना कहीं अपनी योग्यताओं पर भरोसा हमें भी नहीं है, तभी तो कोई दूसरा कहता है और हम प्रभावित हो जाते हैं। अपनी योग्यताओं पे अगर पूरा भरोसा होता और हम क्या हैं उसके प्रति हम निष्कपट होते, ट्रांसपेरेंट होते, कोई कुछ भी कह दे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई अच्छा बहुत अच्छा कह दे, कोई बुरा बहुत बुरा कह दे, फिर भी हम अप्रभावित रह करके दोनों हाल में मुस्कुरा सकते थे। लेकिन कब? जबकि हम खुद को समझते, जबकि हम खुद को समझते, हम अपने जीवन की गति में सहज स्वाभाविक जी रहे होते, तो ऐसी स्थिति आती कि हमें कोई टेंशन दूसरा दे ही नहीं सकता था, कभी नहीं दे सकता। लेकिन समझ की त्रुटि है। त्रुटि क्या है? हमें लगता है कि जो लोग हमें कहते हैं हम वो है, जो लोग हमारे बारे में बोलते हैं वो शायद सच बोलते हैं, शायद सच बोलते हैं। शायद तो वहां भी है, शंका तो वहां भी है, लेकिन फिर भी अपने ऊपर भी शंका है, इसीलिए बोल देते हैं कि लोगों ने ऐसा कहा, लोगों ने ऐसा बोला, कहीं सच ना हो जाए, मैं ऐसा नहीं हूं, अपने आप को प्रमाणित करने चले जाते। क्यों चले जाते? क्योंकि अंदर शंका मौजूद है। बात बेबात हम लोग कितनी बातें खींचते हैं, तानते हैं और लोगों के सामने अपनी सफाई देने पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी योग्यताओं पे भरोसा वाकई में नहीं। हमारी जिंदगी अगर संगीतपूर्ण होती तो दूसरे का शोरगुल हमारे भीतर शोरगुल पैदा नहीं कर सकता था, कभी नहीं कर सकता है। लेकिन अभी करता है, अभी ईमानदारी की बात है, अभी करता है। जैसा उस भाई ने बोला, कभी खुशी कभी गम, अभी ईमानदारी की बात है, हम सबके साथ यही है। तारीफ मिल जाए तो खुशी है, निंदा मिल जाए तो सम्मान मिल जाए तो खुशी, अपमान मिल जाए तो गम है, प्रॉफिट मिल जाए तो खुशी है, लॉस हो जाए तो गम है, इंटरव्यू में पास हो जाए तो खुशी है, फेल हो जाए तो गम है। हर जगह पर यही हाल है। क्यों है? क्योंकि जिसको हम ज्ञान कहते हैं वो ज्ञान तो है जानकारी के रूप में हमारे पास में, लेकिन जिसको विजन की क्लैरिटी कहते हैं वो अभी नहीं।
और जब तक विजन की क्लैरिटी नहीं है, जब तक जीवन के विज्ञान की सही समझ नहीं है, तब तक ये सारी बीमारियां रहती है। कई लोग कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है। हम कहते हैं गुस्से की क्यों चिंता करते हो, गुस्सा तो जस्ट लाइक अ फीवर। गुस्सा केवल बुखार की तरह है, जो केवल ये बताता है कि बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ी है। बुखार इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है। बुखार केवल ये बताता है कि इस बॉडी के अंदर कुछ फॉरेन एलिमेंट्स आ चुके हैं और उनके साथ बॉडी सेल्स लड़ाई कर रहे हैं। उन दोनों की लड़ाई के बीच में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, इसलिए बुखार हो गया। बुखार इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, वो केवल इंडिकेशन है। ऐसे ही गुस्सा जो है ना, वो बीमारी नहीं है, वो बुखार है। आया क्यों, अंदर क्या पड़ा है वो देखो। अंदर क्या पड़ा है? अभिमान, घमंड। घमंड है तो क्रोध आया है। लेकिन फिर से बात सोचे आगे कि घमंड भी क्यों है। माना घमंड है इसलिए गुस्सा आया, घमंड भी क्यों है? घमंड भी इसलिए है क्योंकि अंदर कुछ और पड़ा है। वह क्या है? रॉन्ग विजन। वह क्या है? रॉन्ग विजन, मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन है तो अभिमान है, अभिमान है तो क्रोध है, और ये दोनों है माया लोभ भी है। माया लोभ ऐसे है जो अंदर पर्दे में रहते, दिखलाई नहीं पड़ते। क्रोध मान ऐसे है जो बाहर प्रकट हो जाते। ये चार कषायें हैं, क्रोध, अभिमान, माया और लोभ। इनमें माया और लोभ जो है वो घर में रहते हैं, क्रोध और मान जो है वो बाहर। बस इसको दूसरी तरह से कह दें तो माया और लोभ स्त्री पक्ष है और क्रोध और मान पुरुष पक्ष है। वैसे भी जनरली जेंट्स में ये दो ज्यादा पाए जाते हैं और लेडीज में पीछे के दो। जनरली होते सब में चारों हैं, लेकिन मुख्यतः धर्म क्या देता है, धर्म क्या है इसको समझे हम। क्योंकि वरना बरसों बरस बीत जाते हैं, हम धार्मिक क्रियाएं भी करते हैं, पर एक क्वेश्चन फिर भी रह जाता है, धर्म है क्या? धर्म है सहज स्वभाव। सहज स्वभाव, जिसका जो स्वभाव है उसका वो धर्म है। कैसे? अग्नि का स्वभाव क्या है? गर्म रहना, उष्णता, वो अग्नि का धर्म है। अग्नि ठंडी नहीं होती, ठंडी हो जाए तो उसको अग्नि नहीं कहते। पानी का स्वभाव है शीतल होना, वो पानी का धर्म है। पानी गर्म होता है लेकिन जैसे ही आंच से दूर कर दो स्वतः ठंडा हो जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव है प्रेममय होना, वो हमारा धर्म है। हमारी आत्मा का स्वभाव है आनंदमय होना, वो हमारा धर्म है। हमारी आत्मा का स्वभाव है सब कुछ जानना, महसूस करना, वो हमारा धर्म है। जैन आगम कहते हैं आत्मा के चार मौलिक गुण हैं। जैन सूत्रों में लिखा है आत्मा के जो चार मौलिक गुण हैं उनका नाम है ज्ञान, दर्शन, वीर्य और आनंद। ज्ञान, जानने की क्षमता। ज्ञान मतलब जानने की क्षमता। दर्शन, महसूस करने की क्षमता, जो हम महसूस करते फील करते, जो फील करने की पावर है वो दर्शन है। वीर्य, विल पावर। वीर्य यानी विल पावर, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, वरण करने की, चुनाव करने की क्षमता, वो वीर्य। और आनंद, आनंद का मतलब है हर पल नया, हर पल नया, स्वाधीनता का अनुभव। स्वाधीनता का अनुभव आनंद है। जहां पराधीन होते हैं वहां आनंद नहीं होता, जहां स्वाधीन होते हैं वहां आनंद होता है। ठीक है, आत्मा के चार स्वभाव, चार मौलिक गुण हैं।
इन चार मौलिक गुणों में जीने वाला व्यक्ति धर्ममय है, जिसके पास हर पल जानने की, महसूस करने की, भाव करने की, अनुभव करने की क्षमता है, वह धर्ममय है। हम सबके पास है, हम सबके पास है ये क्षमताएं। हाँ, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। किसी ने अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग कर रखा है, कर रहा है, करता ही चला जा रहा है, और कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग करने से बच रहा है, अपने आप को बचा रहा है और निरंतर बचाने के लिए प्रैक्टिसेस कर रहा है कि मेरी ये क्षमताएं गलत रास्ते पर ना जाए। तो धर्म क्या हुआ? सहज स्वभाव, जानना, महसूस करना, इच्छा शक्ति का होना और आनंदमय होना, होना धर्म है। होना धर्म को करना नहीं पड़ता। लोग कहते धर्म करो, धर्म करो। आपको बहुत साधु संत कहते हैं, हम भी कहते थे धर्म करो, धर्म करो। हकीकत है धर्म नहीं करना होता है। जो भी किया जाता है वो कर्म ही होता है। धर्म तो जीने को कहते हैं, धर्म जीने को कहते हैं। जो जीना है, जो जीवन है, वो इटसेल्फ धर्म है। बस हमारा जीना कभी इन ऑर्डर होता है और कभी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। हमारा जीना धर्म में है, लेकिन कभी कभी हम स्वयं अपने स्वभाव से गिर जाते हैं, अधर्म में चले जाते हैं। जैसे ही अधर्म में चले जाते हैं, हमारे पास आनंद नहीं रहता। आनंद कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आनंद बदल जाता है, अपने ऑपोजिट पोल पे चला जाता है। क्या है ऑपोजिट पोल? कभी खुशी कभी गम। क्या है ऑपोजिट पोल? कभी खुशी कभी गम। जैसे ही आनंद हटा, या तो आदमी खुशी खुश रहेगा या गम में रहेगा। आप कहोगे ऐसा कैसे? खुश रहे तो बात समझ में आती है, वो तो आनंद ही हुआ ना। खुश रहना तो आनंद ही हुआ ना। लेकिन नहीं, खुश रहना आनंद नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, खुश रहना आनंद नहीं है। क्यों? खुश रहना भी एक तरह का स्ट्रेस है। नई बात लगेगी आपको, खुश रहना भी एक तरह का तनाव है। खुशी में भी तनाव होता है। कैसे? बच्चे की शादी हो रही है, आप बहुत खुश हो, बहुत खुश हो, आपके बच्चे की शादी हो रही है, बढ़िया परिवार मिला है, बेटी ससुराल जा रही है, खुशी में तो हो, लेकिन खुशी भी एक तनाव है। देखो, 3 दिन शादी का जब माहौल खत्म हो जाएगा, उसके बाद कितने थकोगे? हाँ, कहोगे बस अब थकान उतार रही है। थकान क्यों आई भाई? खुश थे ना। खुशी मन का अनुकूल तनाव है, जो मन को अच्छा लगता है। मन उसमें भी तनाव में तो है, लेकिन वो अच्छा लगता है, इसीलिए तनाव का नहीं पता लगता। और गम मन का अनफेवरेबल तनाव है, जो मन को अच्छा नहीं लगता। जैसे बेटी की याद आ रही है और बेटी आ नहीं रही है, अब परेशान हो, परेशान हो, वो भी तनाव है, लेकिन अब वो निगेटिव है, अब वो अच्छा नहीं लगने वाला तनाव है। और जब वो आ जाती है तो बहुत खुश हो जाते हो। जो खुशी गम है ना, वो दोनों मन के डिपार्टमेंट में है। मन को जो चीज अच्छी लगती है वो मिल जाए तो खुशी, और ना मिले तो दुख। मिल जाए तो खुशी है, लेकिन उस खुशी में भी डाउट मौजूद है, मिला है कहीं छूट ना जाए, मिला है कोई छीन ना ले, मिला है कहीं बदल ना जाए, मिला है कुछ गलत ना हो जाए। मिलन में भी आदमी को भय रहता है कहीं गलत ना हो जाए। खुशी भी तनाव है, ये भय है वो भी तनाव है। इसीलिए आनंद को समझें। आनंद खुशी नहीं है, आनंद गम नहीं है। आनंद होने में कोई सब्जेक्ट नहीं होता कि बेटी मिलती है तो खुशी, नहीं मिलती है तो गम। आनंद में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई मिले या न मिले, व्यक्ति निरपेक्ष रूप से अपने में मस्त रहता है। इसके लिए प्रॉपर वर्ड कह सकते हैं मस्त रहना। और मस्त रहने का संबंध किसी सब्जेक्ट से नहीं है। एक बार पूज्य विराट गुरु जी को कोई प्रणाम कर रहा था। जैसे गुरु जी का सहज स्वभाव था, कोई भी उनको प्रणाम करता तो वे आशीर्वाद देते हुए कहते मस्त रहो। उनका आशीर्वाद होता था मस्त रहो।
आदमी बोला, गुरुजी कैसे मस्त रहें? आप भी होते तो शायद यही बोलते कि गुरुजी कैसे मस्त रहें, इतनी टेंशन ही टेंशन है, मस्त कैसे रहें? गुरुजी बोले, टेंशन को भी रखो साइड में कि वो बाहर है आपके, लेकिन आपके अंदर मस्ती रहे। टेंशन है तो मानते हो टेंशन है, इसीलिए टेंशन है। ना मानो टेंशन है तो कोई टेंशन नहीं, अपने में मस्त रहो। बाहर की जो परिस्थितियां है ना, उनको हैंडल करते रहो, लेकिन आपकी मस्ती में कोई फर्क ना आए। हो सकता है ऐसा? आप बताओ, हो सकता है ऐसा? आपकी मस्ती में कोई फर्क ना आए। बाहर की सिचुएशंस को जैसे जैसे हैंडल करना है वैसे वैसे हैंडल करना सीखो। हो सकता है हैंडल करना अच्छे से आ नहीं रहा है, हो सकता है अपने बिजनेस को सही तरीके से हमें चलाना नहीं आ रहा है, हो सकता है फैमिली को अच्छी तरह से ड्राइव करना नहीं आ रहा है, हो सकता है कि कैसे मैं रिलेशंस को मेंटेन करूं, ये चीजें मुझे नहीं आ रही है। वो चीजें सीखी जा सकती है, वो चीजें बदली जा सकती है, लेकिन मस्ती, मस्ती को इनसे मत जोड़ना, मस्त रहो। बात गले उतरेगी मस्त रहने वाले, हाँ रह सकते हो आप लोग, बताओ रह सकते हैं? आज खाने में 2 आइटम मिला चाहे 10 आइटम मिला, मैं मस्त हूं, क्योंकि खाने से मेरी मस्ती का संबंध नहीं है। मैं तो हर हाल में मस्त हूं, खाना कैसा भी मिला। देखो, आज किसी ने सम्मान दिया, किसी ने इंसल्ट करी, सब चीजें हैं, बाहर के लेयर पर है, मैं भीतर में बाउंड्री में सारी बातें हो रही है, मेरे सेंटर पे मैं मस्त हूं। हो सकता है बाउंड्री पे है, सारी बातें हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, धन आ रहा है, धन जा रहा है, कोई स्वस्थ हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, बाउंड्री पे सारी घटनाएं घट रही है, लेकिन मेरे से कोई पूछे मैं कैसा हूं तो मैं मस्त हूं। हम में से कौन ऐसी हिम्मत करता है कि मैं ऐसा बोल सकता हूं मैं मस्त हूं? हाथ खड़ा करके बताएंगे जरा, एक हाथ खड़ा हो गया, क्या बात है, धन्यवाद। और आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा बोल सकते हैं मैं मस्त हूं? आराम से हाथ खड़े कर लो। मैं मानती हूं आपकी जिंदगी में बहुत तरह की टेंशन है, लेकिन आप मस्त हो, आप बोल सकते हो मैं मस्त हूं। कौन बोल सकता है वो हाथ खड़ा करे, अभी मैं देख रही हूं। और लोग सोच रहे हैं, अगर हाथ खड़ा करने में शर्म आ रही है तो चिंता ना करो, खड़ा कर लो। धन्यवाद, बहुत सारे हाथ खड़े हुए, बहुत सारे लोग अभी तक सोच ही रहे हैं। फिर से समझें कि बाउंड्री पे सारी घटनाएं घटेगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपका होना ये सिचुएशंस नहीं है, इन दोनों में फर्क है। सिचुएशंस इज जस्ट लाइक आर क्लोथ्स, कपड़ों की तरह, कपड़े बदले जा सकते हैं, कपड़े हम पहनते हैं और वापस चेंज कर लेते हैं, कपड़े छोड़ सकते हैं हम, लेकिन हम जो हैं वो कपड़ों की तरह नहीं है, हम हैं, ऑलवेज हैं। और हमारा होना जो है वो मस्त हो जाए, बस उसका नाम है धर्ममय होना। फिर से समझना, धर्म करना नहीं है, हम आपको धर्म करने की बात नहीं कह रहे, जरा भी नहीं कह रहे आप धर्म करो, आप धार्मिक बनो, कोई बात नहीं कह रहे। हम केवल इतना कह रहे हैं, बाउंड्री वॉल पे जो होना है होता रहे, आप कहो मैं भीतर में मस्त, मस्त होना आनंदित होना है। आप आनंदित हो फिर क्या है, सिचुएशंस में प्रॉब्लम है ना, सिचुएशंस की साइंस को समझा जा सकता है। और यहां एक बात और समझना कि हर सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कई बार धार्मिक लोग बड़े अंधविश्वास में जीते हैं, सो कॉल्ड धार्मिक लोग, सो कॉल्ड, एक्चुअल धार्मिक लोग नहीं, एक्चुअल धार्मिक लोगों के पास तो अंधविश्वास होता ही नहीं है, वहां तो ज्ञान ही होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है, लेकिन कुछ लोगों के पास में ऐसा होता है। और वो क्या पता अंधविश्वास क्या होता है, कि बस माला कर लूंगा तो बिजनेस बढ़िया चल जाएगा। अब मैं उनको बोलती हूं, माला करने से बिजनेस चलने का संबंध नहीं है, बिजनेस चलाने के रूल्स अलग हैं, बिजनेस चलाने की टेक्निक्स अलग है,
वो टेक्निक्स नहीं जानोगे तो माला करने से तुम्हारा बिजनेस चलने वाला नहीं। लेकिन हमने ऐसी ऐसी बातों को कनेक्ट कर रखा है और तब अंधविश्वास पैदा होता है कि लोग घर में बेटा नहीं है वो कह रही है जाप करो बेटा हो जाएगा। कोई बात है? बेटे की शादी नहीं हो रही है जाप करो भैया शादी हो जाएगी, सामायिक कर लो शादी हो जाएगी, तपस्या कर लो शादी हो जाएगी। तो भैया शादी करने के तरीके ऐसे नहीं है, जो वो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए सीरीज अलग है, उसके रास्ते अलग है। ये लोग ऐसे यहां तक लोग है कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं फिर भी नवकार मंत्र जप रहे हैं और कह रहे हैं कि नवकार मंत्र जपता हूं तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अरे भैया गाड़ी ठीक तरीके से चला तो नवकार मंत्र जप या ना जप, बस नवकार मंत्र जपना तब जब तू आराम से बैठा हो और नवकार के अंदर में अपने आप को कनेक्ट कर सके। लेकिन हम लोगों ने यह भी जोड़ रखा है और खुदा ने खासता एक्सीडेंट होने से बच गया तब तो कहेगा नवकार मंत्र का प्रभाव था, और न बच पाया ना तो कहेगा धर्म से श्रद्धा ही उड़ गई। लोग कहते हैं बड़े आराम से धर्म से श्रद्धा ही उड़ गई, नवकार मंत्र जपते जपते चला रहा था फिर भी एक्सीडेंट हो गया। तो भैया गाड़ी का एक्सीडेंट तेरा ध्यान चूकने से कभी भी हो सकता है, नवका मंत्र जपने से वो एक्सीडेंट रुकने वाला नहीं है। कहे भगवान का नाम ले रहा था, तो दुनिया में हर आदमी अपने अपने भगवान का नाम ही तो लेकर के निकलता है। लेकिन एक्सीडेंट तो तब भी होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो देख के नहीं चलते। अब ऐसी बात पे फिर आप में से किसी के मन में शंका उठेगी कि एक्सीडेंट तो साधु साधुओं के भी हो जाते हैं, वो तो बड़े धार्मिक होते हैं। क्योंकि आप जब एक्सीडेंट की बात आई है तो आपके मन में एक प्रश्न ये भी आ गया कि महाराज जी वो तो साधुओं के भी हो रहे हैं एक्सीडेंट, तो क्योंकि क्यों हो जाते हैं? धार्मिक होने से एक्सीडेंट रुकने का संबंध नहीं है, वो अगर देख के नहीं चलेंगे तो उनके भी एक्सीडेंट होंगे। इसीलिए भगवान ने कहा इरिया समिति का पालन करो, चलते वक्त चलने का ध्यान। साफ मना किया कि चलते वक्त कोई स्वाध्याय मत करना, चलते वक्त कोई जाप नहीं करना, चलते वक्त कोई और तरह का ध्यान नहीं, चलते वक्त मात्र चलने का ध्यान। चलते समय चलना ही बन जाओ, बाकी बातें छोड़ दो। अरे महावीर की वाणी को समझे हैं, एग्जैक्ट आंसर देती है, कहीं कोई शंका ना बचे। उन्होंने नहीं कहा कि तुम चलते वक्त भी शास्त्र का प्रतिलेखन करना, शास्त्र का पारायण करना, गाथाओं को रिपीट करना, नवकार मंत्र जपना, कभी नहीं कहा। हाँ आप में से बहुत लोग करते होंगे, बहुत साधु ने सिखाया होगा, लेकिन महावीर ने नहीं सिखाया। तो धर्म को समझना, धर्म क्या है, हम मस्त हैं या नहीं, अपने केंद्र पे हम कैसे हैं, ये देखो। अपने केंद्र पर हम कैसे हैं अपने आप से पूछो, एक पल के लिए अभी पूछ लो मैं कैसा हूं, खुद से पूछो। लोग तो आपसे बहुत बार पूछते हैं और सुनाओ कैसे हो। हाँ अब पंजाबी लोगों की तो खास आदत है मिलने के साथ ही सेकेंड क्वेश्चन यही होता है, तुसी सुनाओ कैसे, और हर कोई यही जवाब देता है वधिया। कोई बोलता है बहुत टेंशन में हूँ, गरीबी में हूँ, बीमारी में हूँ, सब कोई पहले यही जवाब देता है। पहला जवाब तो थोड़ी देर बाद पढ़ते खुलती है, फिर वो सारी स्टोरी स्टार्ट होती है कि घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, मुझे क्या क्या टेंशन चल रही है। लेकिन पहला जवाब यही होता है वधिया, सही है, पहला जवाब शाश्वत जवाब हो जाए, आप बढ़िया ही रहो, आप बढ़िया ही रहो। लेकिन उसके लिए जरूरी है अपने आप से पूछो मैं कैसा हूं, खुद से पूछो, अभी पूछ लो, मुझे जवाब दो ना दो, लेकिन अपने आप से पूछ लो कि आप हो कैसे, कैसे हो। क्योंकि पहली बार ही तो मिल रहे हैं हम आपसे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज ही आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं आप कैसे हो। कह सकोगे मस्त हूं, कह सकोगे? खाली ऐसा नहीं कि अभी कहो मस्त हो फिर लेयर्स निकलती जाए और फिर बोलो महाराज जी यहाँ टेंशन है, यहाँ प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बीबी नहीं सुनती, बच्चे नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं ना। आप कहो बाउंड्री की चीजें अलग है, आप अलग हो, आप सेंटर में मस्त हो जाओ, फिर बाउंड्री वॉल की जो परेशानियां हैं उसको ठीक करने के लिए उसकी टेक्निक्स अलग सीखनी, टेक्निक सीखी जा सकती है।
पैसे कमाने की सीख सकते हो, बच्चे पालने की सीख सकते हो, घर परिवार की ठीक करने की सीख सकते हो, घर का आंगन सही करने की सीख सकते हो, हर चीज की टेक्निक सीख सकते हो। वो विद्याएं हैं, वो अलग विधाएं हैं, लेकिन मुख्य बात है हम। मुख्य बात कौन है? हम स्वयं, हमारा होनापन, हमारा होनापन जो सदैव है। सिचुएशन सदैव नहीं है, ऑल सिचुएशंस आर चेंजेबल, एवरीथिंग इज चेंजेबल। लेकिन इस चेंजेबल वर्ल्ड को जो देखने वाला है, जो जीने वाला है, जो भोगने वाला है, वो हम हैं। और हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। इसीलिए परवाह करो इसकी, जिसको हम बोलते हैं उसकी परवाह करो, जिसको मैं बोलता हूं उसकी परवाह करो। इस हम को राइट बनाना है। जो सेंटर से हम डिस्टर्ब हो गए, हम सेंट्रलाइज नहीं है, हम केंद्रस्थ नहीं है, हम सब लोग बाहर भटक गए और बाहर को ही सत्य समझ के जी रहे हैं, वहां प्रॉब्लम है। इसीलिए ज्ञान काम नहीं आता, दर्शन काम आता है। ज्ञान चीजों को ठीक करेगा, दर्शन खुद को। ज्ञान व्यवस्थाओं को ठीक करेगा, दर्शन अवस्था को ठीक करता है। ज्ञान सारी व्यवस्थाओं के लिए है, दर्शन खुद के लिए। खुद को जो महसूस करो, खुद को जब भी महसूस करो, अपने आप को इस तरीके से महसूस करो, मैं कैसा आनंद, मैं कैसा मस्त। कह सकते हो? घोर बीमारी के क्षणों में भी कह सकते हो मस्त। शरीर बीमार है, मैं मस्त। शरीर ठीक हो रहा है, बीमार ऐसा कभी मत बोलना। अगर बीमार है भी तो क्या बोलना, शरीर ठीक हो रहा है, शरीर ठीक हो रहा है, मैं कैसा हूं। आज का संदेश इतना सा, केवल 3 वर्ड्स का, आज का संदेश केवल 3 वर्ड्स का, मैं मस्त। मेरा संदेश कौन ले जाने वाले हैं? अब तो हाथ खड़े कर लो। थैंक यू। आप सबने ये संदेश स्वीकार किया, केवल इतना ही। आप कैसे हो जवाब दो ना, आप कैसे हो? थैंक यू। आप सब मस्त हो जाओ। बस चातुर्वास यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हम मस्त हैं। मस्त होना धर्ममय होना है, दो ही शब्द है, या मस्त या त्रस्त, या मस्त या त्रस्त। और आपको शायद ये बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अच्छा नहीं लगता, सुनना भी अच्छा नहीं लगता कि मैं त्रस्त हूं। ऐसे ही बोलना मैं मस्त हूं। सिचुएशंस अदर है, मैं अलग हूं, मैं मस्त हूं। इसी का नाम है धर्ममय होना। हम धर्ममय जी सकते हैं और जिए। बस हम धर्ममय जिए। सिचुएशंस हैंडल करने की जो कैपेसिटी चाहिए, उसके लिए जो कैलिबर चाहिए, वो कैलिबर हम डेवलप करेंगे। पूरे 4 महीने डेवलप करेंगे कि किस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना, बिजनेस में, रिलेशन में, फैमिली में, कहीं पर भी कैसे हैंडल करना, वो सब सीखेंगे। लेकिन आप क्या हो? ऑलवेज मस्त। मस्त रहो हर हाल में, सर्द गर्म सब काल में। मस्त रहो हर हाल में, सर्द गर्म सब काल में। इतनी सी बात आपको कहनी थी, आज कह दी। और आज से आप हमेशा मुझे मस्त मिलने वाले, मस्त मिलने वाले हो ना। और वैसे भी मैंने एंट्रेंस फीस रखी है, यहाँ पता है आपको, यहाँ पर एंटर होने की फीस रखी है हमने, पहले दिन ही मांग ली थी आपसे ना कि यहाँ की एंट्रेंस फीस क्या है। जब भी आओ मुस्कुराते हुए आओ, जब भी आओ मुस्कुराते हुए आओ। आप किसी को जानते हो नहीं जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुस्कुराओ और जय हो बोलते हुए आओ, जय हो बोलते हुए जाओ। तो हम मस्त हैं। यह धर्म जो है हकीकत में क्रिया नहीं है, धर्म क्रिया नहीं है, धर्मचर्या है। धर्म आत्म स्वभाव है, और आत्म स्वभाव को वे लोग उपलब्ध होते हैं जिनका दर्शन शुद्ध होता है, जिनका ज्ञान शुद्ध होता है। दर्शन शुद्धि के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, और ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए क्या करना होता है?
आप में से कोई बता सकता है ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए क्या करना होता है? पर्युपासना। क्या करना होता है? पर्युपासना। पर्युपासना शब्द आप सबको परिचित होगा शायद। आप लोग जब तिखुतों का पाठ बोलते हैं तो बोलते हैं पजुवा सामी, बोलते हैं ना पजुवा सामी मथेन वंदामी। पजुवा सामी पर्युपासना, पर्युपासना पास में बैठना, ना सिंपल सा मीनिंग है। टू सिट बिहाइंड गुरु, टू सिट बिहाइंड गुरु, टू सिट बिहाइंड सोल, टू सिट बिहाइंड नॉलेज। बस गुरु के पास बैठो यानी ज्ञान के पास बैठो, ज्ञान के पास बैठो यानी खुद के पास बैठो, अपनी आत्मा के पास बैठो। पर्युपासना ज्ञान पाने का तरीका है। क्यों बोलते हैं आपको आप यहाँ आओ, आप यहाँ आओ, क्यों बोलते हैं? केवल इसलिए कि आप आके जब बैठते हो आपको ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है। ज्ञान से क्या करना है? ज्ञान से दर्शन शुद्ध करना है, विजन क्लियर हो, अंडरस्टैंडिंग राइट हो। और जब ये लेवल चेंज हो जाएगा तब क्या होगा? पूरा जीवन अखंड आनंद हो जाएगा, पूरा जीवन अखंड आनंद हो जाएगा। और वो अखंड आनंद ही हमारा इष्ट है। हमारा इष्ट क्या है? अखंड आनंद, अव्याबाध आनंद, बाधा रहित सुख। और वो बाधा रहित सुख हम सबके साथ है, हम सबके पास है, हमसे कहीं भिन्न नहीं, कहीं बाहर नहीं, उसे ढूंढने कहीं जाना नहीं है। केवल 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 पर्युपासना में आना है, खुद के पास। तो हम इस 4 महीने में सीखेंगे खुद के पास कैसे बैठना, खुद को कैसे उघाड़ना, खुद को सिचुएशंस से परे ऊपर कैसे उठाना और मुक्त कैसे होना। सिचुएशंस रहेगी, हम उसके साथ में डिटेच रह करके भी इसको हैंडल कैसे करेंगे वो सीखना है। बस इतनी ही बात सीखनी है। जिसको सीखनी है वो यहाँ जरूर आएंगे। आज का समय हो गया, आज इतना ही। जय हो, जय हो।